पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जल्द ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो सकती, जिससे राज्य सरकार के करीब 1.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम यूपी लागू करने के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका स्वागत करते हुए इसे केंद्र सरकार का कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा बताया है। अब उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को जल्द ही लागू करने की संभावना है। यूपी के वित्त विभाग ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। विभाग इस योजना के तहत आने वाले व्यय भार का आकलन कर रहा है, जल्द ही इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी में है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरें और कमेंट करके बताएं आप हमें उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश में पकड़े गए 6 लोग, इनमें यूपी पुलिस के 2 सिपाही भी शामिल है। तीसरे दिन 9,63,171 में से 6,78,760 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। 29.57% अभ्यर्थी रहे नदायत। बलरामपुर में 2 सिपाही फर्जीवाड़े में पकड़े गए। अलीगढ़ की 45वीं वाहिनी के भगवान सिन्हा और मथुरा विशेष सुरक्षा बल के गोविंद सिंह ही शामिल। गिरफ्तारी की जानकारी रविवार को डीजीपी मुख्यालय को दी गई। जाने भर्ती परीक्षा में हुई सेंधमारी की पूरी कहानी, बने रहें हमारे साथ। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जेलों और थानों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को भव्य और पारंपरिक तरीके से मनाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि जेलों और थानों में कृष्ण जन्म की झांकियां सजाई जाएंगी और पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सीएम योगी ने मथुरा में विशेष सुरक्षा और सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। जेलों और थानों में केवल झांकियां ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्य भाग लेंगे। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों को कम करने के लिए हर जिले में ARTO रोड सेफ्टी और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI की तैनाती का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पहले चरण में 50 ARTO और 151 MVI पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी सड़क हादसों को कम करने की होगी। 7 महीने पहले हुई सड़क सुरक्षा की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों को रोकने के लिए ERTO और MVI पदों पर भर्ती के आदेश दिए। अब इस योजना पर तेजी से अमल हो रहा है। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मानसून ने अपनी दिशा बदल ली है, जिससे राजधानी लखनऊ और अवध के जिलों में कम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों जैसे हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, मागरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिन्हा के अनुसार कम दबाव क्षेत्र के दक्षिण की ओर से गुजरने के कारण प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में मानसून की सक्रियता कम हो गई। आने वाले दिनों में लखनऊ और अवध के जिलों में सूखे की स्थिति रह सकती है कि बुंदेलखंड और दक्षिणी हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। दोस्तों, ताजा और बड़ी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।